हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट 100, जिसमें हम रुख कर रहे हैं फटाफट खबरों की तरफ। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में करीब 2 महीने से शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई दिल्ली चुनाव की वजह से टाल दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में शनिवार को मतदान को प्रभावित नहीं करना चाहते। न्यायमूर्ति एस के कॉल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने कहा था कि इस बात को समझते हैं कि वहां समस्या है और हमें देखना होगा कि इसे कैसे सुलझाया जाए। हम सोमवार को इस पर सुनवाई करेंगे। पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा था कि वो सोमवार को इस बात पर बहस करने के लिए तैयार होकर आए। इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट को वापस क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए इस मामले को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन कानून 2018 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस विनीत सरण और जस्टिस रविंद्र भट्ट की पीठ ने इन याचिकाओं पर फैसला सुना दिया। ये कानून SC ST एक्ट के तहत गिरफ्तार किसी आरोपी को अग्रिम जमानत देने पर के प्रावधानों पर रोक लगाता है। लोक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। PSA डोजियर में दोनों नेताओं के हिरासत की वजह यह बताई गई है कि 49 वर्षीय उमर ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन की पूर्व संध्या पर अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने को लेकर भीड़ को उकसाने का काम किया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब परिणाम की तैयारी शुरू हो गई है। कल सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली मतगणना के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली में 27 जगहों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव कार्यालय के मुताबिक पूर्वी दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली के कई जगहों पर वोटों की गिनती होगी। चुनाव आयोग की कड़ी सुरक्षा के बावजूद पार्टियां EVM को लेकर चिंता व्यक्त कर रही हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग रूम के बाहर तैनात किया हुआ है। आपका आरोप है कि BJP EVM में गड़बड़ी करा सकती है। पार्टी की ओर से कुछ वीडियो भी साझा किए गए हैं जिनमें EVM कहीं जगह पर मिले हैं और सुरक्षा को निशाने पर लिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से ट्रस्ट गठन के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रियता बढ़ गई है। RSS के अनुषांगिक संगठन बजरंग दल के नेतृत्व में इसके लेकर विशेष कार्य योजना बनाई जा रही है। इसमें घरों और मंदिरों में अलग जगाने का अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए 28 फरवरी से 3 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन होगा। संघ के प्रांत स्तर पर जुड़े 21 जनपदों के संयोजकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। शालीमार बाग इलाके में रविवार देर शाम आर्थिक तंगी से परेशान पिता
मधुर ने अपने दो बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद वो हैदरपुर मेट्रो स्टेशन पहुंचा और ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। स्टेशन के सुरक्षाकर्मियों ने उसका शव पटरी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। घटना के समय उसकी पत्नी बाजार गई थी। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। शुरुआती जांच के मुताबिक मधुर आर्थिक हालात ठीक नहीं होने से लंबे वक्त से परेशान था। ओडिशा में गंजाम जिले के बुलंदतारा इलाके में एक बस में आग लगने से 10 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि करीब 22 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक रविवार को बिजली के तार के संपर्क में आने से बस में आग लग गई। पुलिस अधीक्षक पिनाक मिश्रा ने बताया कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोगों को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने बताया कि बस 11 किलोवाट की क्षमता वाले बिजली के तार के संपर्क में आ गई, जिससे उसमें आग लग गई। चीन में घातक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 908 हो गई है। इसके संक्रमण के 40,000 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया कि रविवार को इससे 97 और लोगों की जान चली गई है और 3,062 नए मामले सामने आए हैं। आयोग के अनुसार 31 प्रांतीय स्तर के क्षेत्रों में इससे अब तक कुल 908 लोगों की जान जा चुकी है। कुल 40,171 मामलों की पुष्टि भी हुई है। सूरजकुंड मेले में देश और विदेश के कलाकार अपनी संस्कृति और कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। हिमाचल के कलाकार अपने प्रदेश के वैवाहिक संस्कृति को लेकर मेले में पहुंचे, जिन्होंने मुख्य चौपाल पर हिमाचल में होने वाली शादी की रस्में और तौर तरीकों को प्रस्तुत किया। दुल्हन बनी हुई एक कलाकार शादी के आभूषणों में लदी हुई नजर आई, तो वहीं एक कलाकार हिमाचली दूल्हे के लिबास में दिखा। उन्होंने हिमाचल के लोकगीत पर किन्नौरी डांस प्रस्तुत किया। इस संस्कृति को लोगों ने खूब पसंद किया। चौंतीसवें अंतर्राष्ट्रीय सूर्यकुंड मेले में रविवार की शाम को मुख्य चौपाल पर विश्व विख्यात फैशन डिजाइनर ऋतु बेरी ने तीसरा फैशन शो आयोजित किया। इस फैशन शो के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की परंपरागत पहनावे के अलग अलग रंगों को दर्शाया गया, जिसमें 15 से ज्यादा मॉडलों ने हिमाचल प्रदेश की प्राचीन और परंपरागत वेशभूषा का जलवा रैंप पर कैटवॉक दिखाकर दिखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिमला के सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि सूरजकुंड मेले में हिमाचल प्रदेश की प्राचीन सभ्यता और वेशभूषा का प्रदर्शन सराहनीय है। नारनौंद में ट्रैफिक पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान जिस वाहन चालक के पास वाहन के पूरे कागज नहीं थे, उनके चालान काटे गए। नारनौंद के ट्रैफिक इंचार्ज अशोक कुमार ने बताया कि अभियान के तहत जो लड़के स्कूल कॉलेज के बाहर दोपहिया वाहन पर पटाखे बजाते हैं, उन पर विशेष शिकंजा कसा गया और उनके चालान काटे गए। इसी के साथ बिना हेलमेट वाले चालक और 3 सवारी लेकर चलने वाले चालकों के भी चालान काटे गए। लोहारू के सिरसी गांव में जनसंपर्क के दौरान प्रदेश के बजट के लिए विभिन्न संस्थाओं, किसानों, जनप्रतिनिधियों सहित अन्य लोगों से राय ली जा रही है। सरकार का प्रयास है कि ऐसा बजट हो जिसमें प्रदेश के सभी लोगों की राय से ये बजट बने, ताकि बजट से ज्यादा लोगों को लाभ और सुविधा मिले।
उन्होंने कहा कि बजट में किसान की आय को बढ़ाने और खेती को लाभप्रद बनाने के लिए जोर रहेगा और केंद्रीय बजट से हरियाणा को सूक्ष्म सिंचाई के लिए 1200 करोड़ रुपए मिलेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार कर इसे आम पशुपालक तक पहुंचाया जाएगा। प्रदेश में पिछले कई दिनों से लोगों को राहत मिली थी लेकिन अब एक बार फिर से लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। उकलाना के बुलाना क्षेत्र में सुबह सुबह घना कोहरा देखने को मिला। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रही जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि दिन चढ़ने के साथ साथ कोहरा कम हो गया लेकिन सुबह के बढ़ते कोहरे की वजह से वाहन चालक परेशान नजर आए। स्कूली बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। साढ़ौरा में 20 साल की युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि चार युवक रात को युवती के घर से उसको किडनैप कर ले गए और पास में बने आंगनबाड़ी केंद्र में ले जाकर युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। करीब 6 घंटे बाद युवती सुबह किसी तरह उनके चंगुल से निकली और पूरी बात घर पर बताई। इसके बाद शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 365 और 376 डी में केस दर्ज कर लिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। रणजीत चौटाला ने कुमारी सैलजा के सरकार जल्द गिरने के बयान को लेकर कहा कि सैलजा शेख चिल्ली के सपने देखती हैं और वो सिर्फ सोनिया गांधी की घरेलू नौकर के सिवा कुछ नहीं। रणजीत चौटाला यही नहीं रुके, उन्होंने कुमारी सैलजा को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए और कहा सैलजा तो सोनिया गांधी का थैला उठाने का काम करती थी। हालांकि रणजीत चौटाला ने अपने हमले में कुमारी सैलजा के पिता को भी घसीट लिया और कहा कि उनके परिवार का अब सिरसा में कोई जनाधार नहीं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सरकार के 100 दिन को सफल बताते हुए विपक्ष पर हमला किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी और बीजेपी की सरकार ने 100 दिन में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। वहीं उन्होंने इनेलो नेता अभय चौटाला के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने जेजेपी का बीजेपी में विलय की बात कही थी। दुष्यंत ने कहा कि अभय चौटाला उनकी पार्टी की चिंता छोड़कर अपनी पार्टी की चिंता करें। वहीं दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार शराब और नशा तस्करी को रोकने के लिए जल्द कानून बनाएगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि सक्षम योजना के कर्मचारियों को परमानेंट रोजगार देने के लिए सरकार विचार कर रही है। प्रदेश सरकार के 100 दिन पर सियासत गर्म है। एक तरफ सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिरा रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष 100 दिन के बहाने सरकार पर तंज कस रहा है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के 100 दिनों के कामकाज पर कटाक्ष किया। हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर 100 दिन में वादा पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अभी तक इनके आपस में विरोधाभास खत्म नहीं हुआ, न ही महकमों का झगड़ा खत्म हुआ है। हुड्डा ने कहा कि बुजुर्गों के सिर्फ 50 रुपए पेंशन बढ़ाकर उनके साथ मजाक किया गया। हुड्डा ने कहा कि हर साल 200 रुपए पेंशन बढ़ाए जाते थे लेकिन इस बार उसमें सिर्फ 50 रुपए का ही इजाफा किया गया। पलवल में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मनोहर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस को विकास विरोधी बताकर जमकर प्रहार किए। वहीं दिल्ली में भी वो बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। रेवाड़ी में संत रविदास जी की 643वीं जयंती का आयोजन किया गया जिसमें कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने शिरकत की।
हरियाणा लोकहित पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविंद कांडा ने सिरसा विधानसभा क्षेत्र के एक दर्जन गांवों का दौरा किया। इस दौरान लोगों ने उनका फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। गोविंद कांडा ने कहा कि गांव में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जन सेवा करने के लिए ही राजनीति में आए हैं, उनके लिए सभी दलों के कार्यकर्ता एक समान हैं। साथ ही उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहकर खेलों में भाग लेने का आह्वान किया। नशा मुक्त समाज के निर्माण में सभी से योगदान देने की अपील की। गोविंद कांडा ने कहा कि विधायक गोपाल कांडा की मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र के जो भी कार्य होंगे वो पूरे करवाए जाएंगे। विकास कार्यों में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। चौंतीसवें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में आज 1,00,000 से ज्यादा दर्शक पहुंचे। ये रविवार की बात कर रहे हैं। मेला विभाग के अनुसार 1,75,000 पर्यटकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं रविवार को मेले का जादू यहां आने वाले लोगों पर इस कदर छाया कि लोग मेले में भारी भीड़ के बावजूद पूरी मस्ती करते नजर आए। बांस की लकड़ियों से शिल्पकारों ने नए घर में इस्तेमाल की जाने वाली दर्जनों भर वस्तुएं बनाकर सबको चौंका दिया है, जिसमें बैठने का सामान, टोकरी, चटाई, खिलौने और सजाने के लिए कई तरह की वस्तुएं तैयार की गई हैं। शिल्पकारों का कहना है कि सूरजकुंड मेले में पर्यटकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। वहीं पर्यटकों का कहना है कि असम की कलाकारी बहुत ही अच्छी लग रही है। राष्ट्रीय स्तर के सरस मेले का जगाधरी में शुभारंभ किया गया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर इस मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे। फतेहाबाद के भट्टू टाउन पार्क में राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राहगीरी कार्यक्रम में बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और बाकी सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। दूसरी ओर पलवल में भी जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित राहगीरी कार्यक्रम में भारी संख्या में स्कूल के बच्चों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में जल्दी ही मरीजों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार की ओर से 3 सुपर स्पेशलिस्ट सहित 18 रेगुलर डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। संभावना है कि जल्दी ही बाकी खाली पड़े पदों पर डॉक्टरों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। दरअसल मेडिकल कॉलेज में कई विभागों में डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को इलाज कराने में परेशानी होती थी। इलाज के बजाय उनको रेफर कर दिया जाता था। डॉक्टरों की कमी को लेकर कई बार शहर के सदस्य सीएम मनोहर लाल से भी गुहार लगा चुके हैं, जिसके बाद 3 डॉक्टरों ने ज्वाइन किया है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस अब लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। गुरुग्राम पुलिस आने वाले दिनों में एटीएम के साथ मिलकर जगह जगह लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। दरअसल बीते दिनों गुरुग्राम पुलिस ने पेटीएम के प्रतिनिधि के साथ मीटिंग की, जिसमें बढ़ते साइबर क्राइम ग्राफ पर रोक लगाने के लिए बातचीत हुई और गुरुग्राम पुलिस पेटीएम के साथ मिलकर जगह जगह कैंपेन चलाकर लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करेगी। 7 के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स 0.17% की गिरावट के बाद 41,071 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी 0.13% की गिरावट के बाद 12,083 के स्तर पर खुला। पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को दिन भर के कारोबार के बाद शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार उद्योगों और उपक्रमों के संपर्क में रहना चाहती है।
उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी परेशानी के कर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक सुविधा प्रदाता के रूप में काम करेगी। सीतारमण ने कहा कि सरकार उद्योग और कारोबारियों के साथ संवाद जारी रखना चाहती है। ऑटो एक्सपो 2020 में चीन की कार निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स ने पहली बार भारत में अपनी गाड़ियां पेश की हैं। इसके साथ ही ग्रेट वॉल मोटर्स ने भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में एंट्री की है। ऑटो एक्सपो में ग्रेट वॉल मोटर्स के अपने हेवल एक्सयूवी से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। मोटर शो से भारत में एंट्री कर रही चीन की दूसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स अपने इंटेलिजेंट और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से लैस वाहनों के जरिए दर्शकों का ध्यान खींच रही है। ...2014 से 2019 के बीच भारत ने विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में काफी सुधार किया है। अब कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार 15 फरवरी से नया फॉर्म लागू करने जा रही है। सरकार नई कंपनियों के गठन के लिए एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लागू करेगी। इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के तहत कंपनी को EPFO और ESIC पंजीकरण संख्या तत्काल आवंटित कर दी जाएगी। बांग्लादेश ने भारत को 3 विकेट से हराकर पहली बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम ने भारत को हराकर ट्रॉफी जीत ली। हालांकि जीत के जोश में बांग्लादेशी खिलाड़ी अपना आपा खो बैठे और भारतीय टीम से भिड़ गए। फील्डिंग के दौरान कई बार आक्रामकता दिखा चुकी बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने मैच जीतने के बाद और ज्यादा आक्रामकता दिखाई। उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के सामने जाकर उनसे अपशब्द कहे, जिससे दोनों टीम के खिलाड़ियों में धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। हालांकि बांग्लादेशी टीम के कप्तान ने इसके लिए माफी मांगी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भारतीय टीम को 22 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के साथ ही टीम इंडिया 3 मैचों की वनडे सीरीज गंवा बैठी। सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 11 फरवरी को माउंट मानगुई में खेला जाएगा। ऑकलैंड के ईडन पार्क में शनिवार को खेले गए दूसरे मुकाबले में टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेजबान टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 273 रन का स्कोर खड़ा किया था। मार्टिन गप्टिल और रॉस टेलर ने अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में टीम इंडिया 251 पर ही सिमट गई। मैच के साथ साथ सीरीज भी टीम इंडिया ने गंवा दी। उधर शुभमन गिल के नाबाद 107 रन की पारी से भारत ने न्यूजीलैंड ए के खिलाफ 4 दिवसीय मुकाबले में रविवार को तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 53 ओवर में 1 विकेट पर 234 रन बना लिया। शुभमन गिल भारत के टेस्ट स्क्वाड में शामिल हैं। वनडे सीरीज के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 24 से 4 मार्च तक खेली जाएगी। फिल्म मंगल ने रिलीज के तीसरे दिन 10.67 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म मलंग ने 26.27 करोड़ रुपए की कुल कमाई कर दी है। फिल्म को रविवार होने की वजह से फायदा मिला, जिसके कारण फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ। फिल्म थप्पड़ के ट्रेलर देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी उस पर रिएक्शन आया। स्मृति ईरानी इस ट्रेलर को देखकर भावुक हो गई। उन्होंने समाज पर गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, कितने लोगों ने सुना है औरत को ही एडजस्ट करना पड़ता है।
सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड शो ऑस्कर 2020 का आयोजन लॉस एंजलिस स्थित हॉलीवुड एंड हाईलैंड सेंटर के डॉल्बी थिएटर में किया गया। ये 92वां अवार्ड समारोह। इस खास मौके को और खास बनाने के लिए दुनिया भर के फिल्म जगत से तमाम हस्तियों ने यहां शिरकत की। पिछली बार की तरह इस बार भी ऑस्कर बिना किसी मेजबान के आयोजित किया गया। इस बार वाकिन फिनिक्स की फिल्म जोकर को सबसे ज्यादा 11 नॉमिनेशन मिले। जोकर को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर के साथ साथ 8 अन्य नामांकन भी मिले हैं। शाहरुख खान के छोटे बेटे अबराम ने कराटे में गोल्ड मेडल जीता है। अपने बेटे की इस उपलब्धि पर शाहरुख फूले नहीं समा रहे हैं। शाहरुख खान ने इंस्टाग्राम पर अपनी खुशी को जाहिर करते हुए अबराम की तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरें शेयर करते हुए शाहरुख ने लिखा कि इस मेडल को मिलाकर मेरे बच्चों के पास मुझसे भी ज्यादा अवार्ड है, ये काफी अच्छी बात है। सुपरफास्ट 100 में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।